यार चुप हो जाओगे आप लोग प्लीज, ब्लॉग टाइम। थैंक्स। वाओ, अन्ना की पहली ट्रिप होगी जब हम जहाँ पे जा रहे हैं हमें जगह का नाम ही नहीं पता, बस जा रहे हैं। मामू पता है, मामू बता रहे हैं कहाँ जाएंगे पता नहीं, तुक्के लगा रहे हैं हम, कभी अम्बो कभी मदान साले कभी बूढ़ा मुझे पता है। बेटा अगर बात गलत निकली ना मैं 5 लाख रुपया लूंगा, मैं फ्री में, डन हो गई बात। और अगर बात सही निकली तो मैं नहीं दूंगा। ये पीछे पीछे सब ऐसे बैठे हुए खुश फुस हम बैठे हुए नहीं खुश फुस बोलेंगे जम कुत्ता नहीं खुशड़ पुछड़ होगे नहीं ये भी नहीं बोलेंगे जो भी बोलो सही बोलो जो भी बोलो सही बोलो बस कंजेस्टेड होके हम बैठे हैं अंग्रेज लोग हैं हम अंग्रेज कंजेस्टेड यू नो। फाइनली हमें पता चली हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यम्बो। और इसी खुशी में अति भाई आप क्योंकि शर्त हार चुके हैं तो जल्दी से 5 लाख रियाल का चेक दे दें जल्दी से। अभी रास्ते में, रास्ते देना है। हाँ हाँ 5 लाख रियाल बस बहुत कम भाई, मल्टी ट्रिलियन डॉलर बंदे तो फिर बिलियन में नहीं ट्रिलियन डॉलर मल्टी भी कम है। सो 500 सॉरी 5 लाख सामने कोई अलग किस्म की पहाड़ी है वो वहाँ से शुरू करो ना। बकरे 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 ये बकरे ये छोड़ो पहाड़ देखो माशाल्लाह वैसे डार्क डार्क ऐसे लग रहा है वो ओरियो डाले हो काट काट के बताओ जरा ओरियो चॉकलेट केक पे लग रही ओरियो के तो खाए बैठे ही खा रहे होगे। हां हां ओरियो के चंक्स हुए नहीं ये मैं खाते दीवार बनाई भी है बनाई भी नहीं है नेचुरल है मम्मा वो देखें दीवार बनी भी है देखें पत्थर डाले में। हां वो अलग है वो छोटी दीवारी वो अलग है। देखो ये चेक करो भाई यार मिट्टी खाने को दिल कर रहा है बाकी मैं इतनी स्मूथ इतनी बड़ी यार रेत की पहाड़ी पहली बार देख रहा हूँ मैं। अभी हम यम्बो के रास्ते में हालांकि बचपन पूरा यहीं पर गुजरा यहीं पर पैदा हुआ लेकिन रेतीले पहाड़ आज तक मैंने देखने की जिंदगी में पहली बार देखे। काश की शाम का टाइम होता मज़ा आ जाता क्योंकि मिट्टी हो रही है सही वाली गर्म। मुझे पता माइक्रोफोन में भड़बड़ आवाज़ आ रही होगी लेकिन अब क्या करें यार ऊपर तो चढ़ना है भाई कुछ भी हो जाए ऊपर चढ़ना है। अबे मेरी टोपी नहीं यार खैर वो ले लेंगे। अरे यार अब नहीं चला जा रहा बेटा बहुत गर्म है हमसे ना हो पाएगा जूते होते ना चले जाते बहुत गर्म चढ़ना मुश्किल है। 2 hours later Lord I've been searching। अच्छा ज्यादा सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है सारा कभी रेगिस्तान में कभी मदीने में कभी शर्तें लगा रहा हूँ 5 लाख रियाल की कभी कुछ हुआ ही है कि हमारा खैर मामू का प्लान था मदीना जाने का ईद की नमाज़ पढ़ने हमारा अचानक बना पापा से इजाज़त मिल गई हम निकल गए। मामू ने बोला तैयारी करना कहीं जाएंगे मदीने की वापसी में कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता लेकिन मोस्ट प्रॉबली लग रहा था कि यम्बो में जाएंगे। यम्बो बेसिकली यहाँ का एक शहर है इंडस्ट्रियल एरिया सारे गोरे यहाँ पे रहते हैं गोरे अरब अदर यानी बाहर के लोग रहते हैं तो वहीं के हिसाब से सारा कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है नहाने का भी सीन होता है और लास्ट टाइम हम आए थे तो मामू के साथ बोटिंग हुई थी वो भी अचानक प्लान बना था यहाँ हम जो है ना ख्वार होकर नहा रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं पानी का बहुत बड़ा किस्म का कीड़ा हूँ फिशिंग हो स्कूबा डाइविंग हो फ्री डाइविंग है स्कूबा डाइविंग कभी की नहीं है फ्री डाइविंग मैं करता रहता हूँ उसके बारे में कभी मैं बाद में व्लॉग बनाऊँगा। तो मुझे गहरे पानी में मज़ा आता है गहरे पानी हो वहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ हों छोटी छोटी मछलियाँ हों कोरल रीफ हो ये जो होता है ना पाकिस्तानी स्टाइल सी व्यू वाला समंदर रेत
लहरें आ रही, हमें मज़ा नहीं आता, हम बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, हम पानी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे लास्ट टाइम और यहाँ पे बोर हो रहा था, मैं मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे मतलब को समझ नहीं था। फिर मामू ने बोला भाई चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे भाई? तब भी मामू ने नहीं बताया। अचानक फिर प्लान बना कि बोटिंग। तो आज भी इंशाल्लाह, अभी तक तो यही लग रहा है, बल्कि यही चांस है, मुझे पता है, मामू बस बता रहे नहीं हैं कि आज भी इंशाल्लाह बोटिंग होगी। और बोटिंग जब होती है तो मुझे उसमें मज़ा आता है। यानी कोई पिछली बार ना मेरी ये तस्वीर देखें, तस्वीर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कितना खुश था। और आज भी बोटिंग जा रहे हैं। अभी वैसे वो नेचुरल फीलिंग आ नहीं रही क्योंकि अभी सो के उठा हूँ मैं, लेकिन अभी बोट पे चढ़ेंगे ना फिर दिखाएंगे फिर आपको। तब तो आई मूवी पहला व्लॉग मैंने तभी बनाया था, घर का फैमिली व्लॉग, बस ऐसी रैंडम तस्वीरें ली थी, वो उसने खुद ही बना दिया था कैमरे वाले ने, फोटो ऐप ने। इस बार तो प्रॉपर व्लॉग बनेगा भाई आपके भाई का। चलो चलते हैं। If there's a way through, Lord, please show me. तो जो पता जो लग रहा था वही हुआ, हम आ चुके हैं और आज इंशाल्लाह वोटिंग है, खुशी का आलम जा रहा नहीं। मामू बोले इसकी बत्ती सी अब जाएगी नहीं। यार पहले किसी ने आना नहीं आना, मैं तो आ रहा हूँ यार। मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर रुके और मेरा बस नहीं चल रहा, मैं बस पानी में कूद जाऊँ, ऐसे क्रिस्टल पानी में ही तो मज़ा आता है, गहरे पानी में। और यहाँ पे अभी हो सकता है थोड़ी सी हम फिशिंग करें, अल्लाह दुआ करें कि मछली आ जाए, पिछली बार नाक कटी थी मेरी सही तरीके से। ये 40 साल से ऐसी डूबी है। रोटियां बनेंगी, चपातियां बनेंगी, रोटियां बनेंगी, और क्या चाहिए?